नमस्कार दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज ऑन द बोर्ड शतरंज में हम मुकाबला देखेंगे एक बेहद ही खास खिलाड़ी का। ये खिलाड़ी थे लियोनिड स्टेन, जो कि 3 बार के सोवियत रूस के विजेता थे। हालांकि मात्र 39 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, लेकिन बहुत सारे विश्व चैंपियन, चाहे वो बोटवनिक हो, स्पास्की हो और सेमिस्लाव हो, पेट्रोशियन हो, इनके खिलाफ उन्होंने ताल हो, उनके खिलाफ उन्होंने हमेशा प्लस स्कोर किया। विश्व चैंपियन तो नहीं बने, लेकिन यूएसएसआर के, मतलब पुराना जो सोवियत रूस था, उसके सबसे अनुभवी और मजबूत खिलाड़ियों में हमेशा गिने जाते रहे। 1973 में बेर्टोक ग्रैंड मास्टर थे, उनके खिलाफ खेला गया, उनका एक मुकाबला हम देखने जा रहे हैं। और इस मुकाबले में के एक साल बाद ही जो है वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। तो चलिए देखते हैं आज ऑन द बोर्ड मुकाबले में एक जीनियस का मुकाबला, लियोनिड स्टेन का मुकाबला। मुकाबला शुरू होता है E4 से, ओके। यहां पर लियोनिड व्हाइट है और उनके जो अपोनेंट है वो ब्लैक पीसेस से खेल रहे हैं, मतलब बेर्टोक। C5, नाइट F3, नाइट C6, D4, C×D4, Knight×D4। ब्लैक कंटिन्यू करते हैं नाइट F6, व्हाइट खेलते हैं यहां पे नाइट C3। तो आप देख सकते हो कि ये सिसिलियन का वेरिएशन है, 4 नाइट वेरिएशन। ब्लैक खेलते हैं यहां पे D6, तो व्हाइट खेलते हैं कंटिन्यू बिशप G5, डेवलप करते अपने बिशप को, बाद में क्वीन आएगा आगे। तो यहां पर ब्लैक जो है वो स्कैवेंजर सेटअप लेते हैं और खेलते हैं E6। व्हाइट कंटिन्यू क्वीन D2, हमने देखा है सिसिलियन के बहुत सारे मुकाबलों में यूजली जो है लॉन्ग कैसल करके व्हाइट खेलता है। अब ब्लैक जो है यहां पे खेलते हैं A6, तो आप यहां पे देखोगे तो एक प्रकार से नज्ड ऑफ स्केलेटन टाइप का स्ट्रक्चर जो है ब्लैक ले चुका है। व्हाइट कंटिन्यू करते हैं लॉन्ग कैसल, तो डेफिनेटली अब व्हाइट का कोशिश क्या होगा कि अगर ब्लैक शॉर्ट कैसल करेगा तो फिर किंग साइड से यहां पर अटैक जो है इंग्लिश अटैक टाइप का जो अटैक है वो हमको देखने के लिए मिल सकता है। यहां पर ब्लैक कंटिन्यू डेवलपमेंट करते हैं, खेलते हैं BD7, बिशप E7 भी खेल सकते थे लेकिन BD7 यहां पर खेलते हैं। और अब व्हाइट खेलते हैं यहां पर मूव F3, ब्लैक जवाब देते हैं बिशप E7। तो अगर दोस्तों आप अभी तक का जो भी पूरा वेरिएशन देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि ब्लैक कंटिन्यू डेवलपमेंट कर रहा है, ब्लैक ने ऐसी कोई गलती नहीं की है इस पूरी पोजीशन में जिसको आप बोलेंगे कि उनकी तरफ से कोई गलत चाल हुई। अब यहां पर व्हाइट क्या करते हैं, यहां पर मूव खेलते हैं G4, तो डेफिनेटली आइडिया क्या है जो कि व्हाइट से होता है, G4, H4, G5 ये आने वाला है। ब्लैक बहुत ही आराम से यहां पर मूव खेलते हैं क्वीन C7, जो देखने में तो कोई गलती नहीं लगती है लेकिन इस पोजीशन में एक्चुअली ये गलत चाल है। यहां पर ब्लैक को करना क्या चाहिए था, Knight×D4, Queen×D4 और Bishop C6 जो है उनके लिए ज्यादा बेहतर वेरिएशन होता है, लेकिन उन्होंने खेला Queen C7। अब ब्लैक जो व्हाइट जो है अपने बिशप को लेकर के आते हैं E3 पर। आइडिया क्यों, क्योंकि अब अगर आपको पॉन पुश करना है तो बिशप की ये जगह जो है वो सही नहीं है वैसे भी, ओके। और अगर यहां पर कुछ एक्सचेंज जाएंगे तो वो बिशप से यहां पर D4 पर मार सकते हैं, तो बिशप E3 खेलते हैं। अब इस पोजीशन में ब्लैक थोड़ा सा अजीब सा प्लान करते हैं, यहाँ पे वो कैसल कर सकते, तो शॉर्ट कैसल करेंगे तो उनके ऊपर अटैक आ रहा है, लॉन्ग कैसल करेंगे तो कभी भी इस पोजीशन में उतना अच्छा माना नहीं जाता। तो इवन अभी पे Knight×D4 को कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन ब्लैक एक लंबा प्लान चुनते हैं, वो खेलते हैं Knight E5। अब Knight E5 उनका प्लान क्या है, Knight C4 से आकर के वो लाइट कलर का बिशप लेना चाहते हैं, लेकिन स्टेन को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लियोनिड सोचना बिल्कुल क्लियर है कि ब्लैक जो है वो चालें खराब कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एक चाल आपने नाइट को निकाला, दूसरा भी यहाँ पे और तीसरा चाल आप यहाँ पे लेके जाओगे, जबकि ये बिशप सिर्फ एक चाल चलेगा अगर आप इधर आओगे तो यहाँ पर ऑलरेडी ब्लैक को काफी चालों का नुकसान हो जाएगा। तो इस पोजीशन में जब वो Knight E5 आते हैं तो व्हाइट जो है वो अपना जो प्लान है उसको कंटिन्यू करते हैं, वो खेलते हैं H4, तो ब्लैक खेलते हैं यहाँ पर H6। तो व्हाइट को अभी भी कोई फिक्र नहीं है कि आप Knight C4 आ रहा है, वो अपना प्लान कंटिन्यू करते हैं, वो खेलते हैं Rook G1, ब्लैक कंटिन्यू करते हैं Knight C4। तो इससे आप समझ सकते हो कि टॉप लेवल पे जाकर के सिर्फ 1, 2, 3 चालें भी अगर आप बर्बाद कर रहे हैं तो उसका कितना असर गेम में जो है आने वाले समय में पड़ने वाला है। तो स्टेन को बिल्कुल क्लियर है कि वो बिशप यहाँ पे दे सकते हैं, सो टेक Bishop×C4, Queen×C4 यहाँ पर अब आता है। अब जैसे Queen C4 आता है, व्हाइट का डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट है, ब्लैक का किंग अभी भी सेंटर पर है, तो ब्लैक व्हाइट अपना प्लान कंटिन्यू करता है, क्या खेलते हैं H5। यहां पर मार के भी खेल सकते हो आप पॉन यहां पर H×G5, लेकिन ब्लैक यहां पे चुनते हैं Knight H5, ओके। तो व्हाइट खेलते हैं
एच इंटू जी सिक्स। अभी यहां पर अगर आप एच इंटू जी सिक्स बिशप इंटू एच सिक्स मारो तो ये ज्यादा ठीक है ब्लैक के लिए खेलना, लेकिन ब्लैक ने क्या किया, ब्लैक ने खेला यहां पर मूव जी सिक्स ताकि पोजिशन को थोड़ा सा बंद रखा जा सके। लेकिन जैसे ही वो जी सिक्स खेलते हैं उनका डार्क कलर जो है वो काफी कमजोर पड़ रहा है, तो इमीडिएटली जो है स्टेन लियोनिड खेलते हैं बिशप जी फाइव। आप डार्क स्क्वायर का बिशप को एक्सचेंज करना चाहते हैं। आप इसके बाद देखिएगा कि एक एक बार जो भी मूव का सिलेक्शन है वहां पे ब्लैक जो है वो कुछ बचने के लिए या डिफेंस के लिए लगातार गलत रास्ते पे चला जाता है। तो जैसे बिशप एफ एट, तो एक और मोहरा जो है उनका अंदर जा रहा है। ओके, तो जैसे ही आप वो बिशप एफ एट खेलते हैं तो चूंकि किंग सेंटर पर है तो व्हाइट यहाँ पे पहले व्हाइट क्या करता है चुपचाप, पहले तो खेलता है किंग बी वन ताकि किसी भी तरह के अगर पोजीशन अटैक में ओपन हो तो कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई काउंटर अटैक ना आए। तो ब्लैक यहाँ पे खेलता है बी फाइव। ओके, तो व्हाइट खेलता है रुक डी ई वन, क्यों, क्योंकि किंग जो है वो आपका इसी लाइन पर बैठा हुआ है। अब इस पूरी पोजीशन को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि व्हाइट के सारे पोजीशन सारे पीसेस आप देख लीजिए और अगर आप ब्लैक के पीसेस की तुलना करोगे तो कोऑर्डिनेशन जो तालमेल है उसकी भारी कमी यहां पर नजर आती है। तो यहां पर रुक डी इवन आया, पर आप देखिए इसके बाद एक और मजेदार डिसीजन ब्लैक लेते हैं। ब्लैक को क्या लग रहा है कि बिशप बचाना बहुत जरूरी है जो कि बहुत नेचुरल थिंकिंग है। वो बिशप सी सिक्स अगर खेलेंगे तो नाइट इंटू सी सिक्स क्वीन सी सिक्स मैच में हो सकता है, लेकिन उनको लगता है कि बिशप देना नहीं चाहिए तो वो बिशप खेलते सी एट ताकि बी सेवन से आए। तो इस पूरे गेम में जो सीखने लायक बात है वो ये कि ब्लैक बहुत सारी चालें बर्बाद कर रहा है, मतलब पहले बिशप को कहीं खेला, फिर कहीं खेला, फिर नाइट को कहीं खेला, फिर कहीं खेला। ये क्या करता है कि ये सामने वाले को और अतिरिक्त चालें जो है वो देता जा रहा है। ओके, तो इन्होंने खेला बिशप सी एट, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे व्हाइट क्या खेलने वाले। व्हाइट ने खेला नाइट डी फाइव। जी हाँ, ये पॉन से ये नाइट सेक्रीफाइस यहाँ पर स्टेन करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर ब्लैक इसको एक्सेप्ट ना करना चाहे तो जैसे आप देखो कि अगर आप बिशप बी सेवन खेलो तो नाइट बी सिक्स आ रहा है, अगर आप रुक बी एट खेलो यहाँ पर तो बी थ्री आ रहा है, क्वीन सी फाइव जाएगा तो बी फोर आएगा और उसके बाद क्वीन वापस सी फोर पे आएगा तो रुक ई थ्री से रुक सी थ्री से क्वीन ट्रैप हो सकता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ब्लैक को हो रही थी, तो ब्लैक ने काफी सोचा और उसके बाद उन्होंने इसको मार दिया। ओके, सो टेक पॉन टेक पॉन टेक, किंग को चेक, तो किंग ने खेला डी सेवन। अभी आप देख सकते हो कि ब्लैक इसमें पॉन अप सॉरी पीस अप है, लेकिन पीस अप जो है वो कितना काम का है वो देखना होगा। तो व्हाइट यहाँ पे खेलते हैं सबसे पहले नाइट सी सिक्स। अब बहुत सारे प्रॉब्लम जो है पीछे से, जैसे ये रुक है, ये रुक आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम आने वाले हैं। व्हाइट खेलते ब्लैक खेलते हैं बिशप बी सेवन, तो व्हाइट अपना एक और पीस लेके आता है रुक जी फोर से। ब्लैक खेलते हैं क्वीन सी फाइव और अब यहां पर बिशप ई थ्री। तो अब आप एक प्रकार से देखो तो ऐसा लग रहा है कि क्वीन जो है वो ट्रैप हो गया, लेकिन यहाँ पे ब्लैक के पास एक मूव थी बिशप एच सिक्स। और दरअसल स्टेन ने देख लिया था, उनका आइडिया ये था कि आप मेरा जो मोहरा है वो भी आप वापस कर दें, तो बिशप इंटू एच सिक्स यहाँ पे खेलते हैं। अब यहाँ पर ब्लैक को पोजीशन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि रुक ई सेवन आ रहा है अंदर और बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, उन्होंने खेला बिशप सी सिक्स। ओके, पॉन इंटू सी सिक्स, यहाँ पर क्वीन इंटू सी सिक्स मारा जा सकता था, ब्लैक माइनस है लेकिन गेम चलता, लेकिन उन्होंने ब्लंडर की उनके अपोनेंट ने बेल्टोक ने और उन्होंने खेला किंग सी सिक्स। तो व्हाइट ने तुरंत देख लिया कि ये तो गलत चाल हो गई, तुरंत अगली चाल में रुक ई सेवन खेला, किंग को बंद कर दिया। अभी नेक्स्ट मूव बी फोर आ रहा है जो कि अनस्टॉपेबल है, आप पॉन को आगे वागे करेंगे तो ये रुक ये जो है बी थ्री करके क्वीन ही ट्रैप हो जाएगा, तो खेल खत्म हो रहा था यहाँ पर। उनके अपोनेंट ने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रुक इन टू एच सिक्स खेला, लेकिन व्हाइट को स्टेन को उससे मतलब नहीं था, उन्होंने खेला बी फोर और इसके बाद ब्लैक ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि आप कहीं पे भी जाएंगे क्वीन को हटते हैं तो क्वीन सी थ्री चेक के बाद सिर्फ मेटिंग थ्रेड्स यहाँ पर आ रही है। तो दोस्तों ये था मुकाबला लियोनिड स्टेन का, जो कि यूएसएसआर के तीन बार के चैंपियन थे और एक बेहतरीन खिलाड़ी थे। आने वाले समय में इनके कुछ और ऑन द बोर्ड मुकाबले भी हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया हिंदी के लिए। मैं निकलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर।